माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे भर्ती और चयन इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों से ही हमें कर्मचारियों की प्राप्ति होती है, लेकिन इन दोनों से कर्मचारियों की प्राप्ति का अलग अलग तरीका होता है। इस कारण भर्ती और चयन दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। भर्ती में क्या होता है, ये एक सकारात्मक प्रक्रिया होती है, इसमें सभी व्यक्ति को ले लिया जाता है, जबकि चयन क्या है, एक नकारात्मक प्रक्रिया, इसमें जो व्यक्ति योग्य होता है काम करने के लिए उसे ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो पहला भर्ती समझ में आ गया कि काम करने के लिए व्यक्तियों का पता लगाना और उन्हें आवेदन देने के लिए प्रोत्साहित करना भर्ती कहलाता है, जबकि चयन का मतलब होता है जो आवेदन आते हैं उसमें से योग्यताधारी व्यक्तियों का काम के लिए चयन करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब अंतर से हम जानेंगे कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। तो फर्स्ट इसने हमको नियुक्ति से बताया कि भर्ती संगठन के अंदर तथा बाहर से की जाती है, मतलब कि भर्ती के दो स्रोत हैं, आंतरिक और बाह्य। जब कर्मचारी की भर्ती संस्था के अंदर से कर ली जाती है तो ये आंतरिक स्रोत, और जब कर्मचारी की भर्ती संस्था के बाहर से की जाती है तो ये भर्ती का बाह्य स्रोत हो गया। तो चयन में इसने बोला कि चयन का कार्य प्राप्त आवेदनों या साक्षात्कार हेतु बुलाए गए प्रत्याशियों में से किया जाता है। चयन का ये बोल रहा है कि जो आवेदन आते हैं उन आवेदन में से या साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए जो व्यक्ति आते हैं उनमें से योग्यताधारी व्यक्ति को नियुक्त करना चयन कहलाता है। अगला देखो विज्ञापन, विज्ञापन द्वारा प्रत्याशियों के आवेदन आमंत्रित किए जाते, मतलब भर्ती के लिए आवेदन कैसे प्राप्त करें, तो हम रोजगार कार्यालय, विज्ञापन या अनेक ऐसे स्रोतों के माध्यम से क्या करते हैं, व्यक्तियों की खोज करते हैं, काम करने के लिए उनका पता लगाते हैं। जबकि चयन में बोल रहा है कि चयन के लिए प्रत्याशियों को व्यक्तिगत सूचना दी जाती है, मतलब चयन एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें व्यक्ति का एक क्या होता है, एग्जाम होता है, फिर एग्जाम अगर वो क्लियर कर लेता है तो फिर उसका इंटरव्यू होता है, जो भी प्रोसेस होती है। तो चयन में व्यक्ति से पर्सनली बातचीत होती है, उसे किसी विज्ञापन या मैसेज इनके थ्रू नहीं बुलाया जाता। फिर ये साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, कि केवल आवेदन लेकर भी भर्ती की जा सकती है, साक्षात्कार आवश्यक नहीं है, उस व्यक्ति का रिज्यूम देखकर भी हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं भर्ती में, इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है। जबकि चयन के लिए साक्षात्कार इंटरव्यू बहुत जरूरी है, क्योंकि साक्षात्कार से ही तो पता चलेगा, साक्षात्कार से ही तो पता चलेगा कि व्यक्ति में योग्यता है या नहीं है, क्योंकि इसमें चयनकर्ता और आवेदक दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, जिससे हमें एक एक बात क्लियर हो जाती है कि इसने फॉर्म में जो डिटेल फिल करी है वो सही है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड अगले दो है इसमें जैसे संख्या, कि भर्ती में प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि चयन में प्रत्याशियों की संख्या सीमित होती है। भर्ती में तो सभी व्यक्ति आ जाते हैं, जैसे हम सुनते हैं ना कि 5000 पद खाली है बैंक क्लर्क के, और उसमें 10 लाख लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म डाल रहे हैं, तो भर्ती में सब आ जाते हैं, जबकि चयन में क्या हो जाती है, छटनी हो जाती है, जो पास हुआ बस वो रहता है, फिर इंटरव्यू से और व्यक्ति कट हो जाते हैं, इसलिए चयन को एक नकारात्मक प्रक्रिया बोला गया। एंड लास्ट इज समय, भर्ती के बाद चयन प्रक्रिया प्रारंभ होती है, सबसे पहले आवेदन आए, सभी व्यक्ति आ गए, अब जो व्यक्ति पास हुआ, जिस व्यक्ति को सिलेक्ट किया, वही तो इंटरव्यू के लिए जाएगा, और चयन के बाद नियुक्ति आदेश जारी किया जाता है, मतलब उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है। तो हमने जाना भर्ती और चयन से कर्मचारी की प्राप्ति तो होती है, लेकिन कर्मचारी की प्राप्ति के दोनों के तरीके अलग अलग है, इस कारण भर्ती और चयन एक दूसरे से अलग अलग है। अब आपको किसी भी पॉइंट में डाउट लगता है तो डाउट को माइंड में नहीं, डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।